भाजपा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब नई रणनीति बनाई है। भाजपा तो गांधी परिवार पे शुरू से ही निशाना साधती रही, अब 2019 में इंदिरा सोनिया राहुल गांधी के साथ साथ नेहरू पर भी निशाना साधने की योजना बना रही है। आज चर्चा भाजपा की इसी आक्रामक रणनीति पर। इन लोकसभा चुनाव में भाजपा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को चुनाव में घसीट रही है। मोदी शाह कितनी ही बार बोल चुके हैं कि देश कांग्रेस से ही 70 वर्षों का हिसाब मांगता है। जाहिर सी बात है, इन 70 वर्षों में नेहरू जी का ही शासन रहा है। देश में इस वक्त तीन मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा की जा रही है कि केंद्र सरकार नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में ही देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए म्यूजियम बनवाना चाहती है। चर्चा तो ये भी है कि मोदी सरकार इस मेमोरियल का नाम भी बदलने वाली है। कांग्रेस भाजपा के इस कदम का विरोध कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का मकसद आधुनिक भारत और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं और दूसरे प्रतिष्ठित भारतीयों के कागजात को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए था, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया हो। मूर्ति परिसर ने सभी प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम बनाए जाने के विचार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दे दी। यानी तीन मूर्ति भवन अब सिर्फ नेहरू स्मारक या म्यूजियम नहीं रहेगा। निश्चित रूप से नया म्यूजियम बना तो तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में नेहरू म्यूजियम की वह अद्वितीयता नहीं रह जाएगी जो अभी है। प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ नेहरू के साथ अन्य प्रधानमंत्रियों की मूर्ति लगने से उनकी महत्ता घट जाएगी या फिर नहीं। पर रणनीतिक दृष्टि से देखें तो एक बात साफ होती नजर आती है कि 2019 की जंग में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सियासी हथियार बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस को धूल चटाने के लिए किसी को भी छोड़ने नहीं वाली। कांग्रेस का तो आज तक का चरित्र ही यही रहा है कि बस देश में गांधी परिवार की विरासत से ही बचाया जाए। कांग्रेस हर महत्वपूर्ण योजना और संस्थान का नाम गांधी परिवार के नाम पर ही रखती आई है। तभी तो भाजपा के संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस का बस चलता तो व्हाट्सएप का नाम भी राजीव गांधी मुफ्त गपशप योजना रखते और ट्विटर का नाम इंदिरा गांधी उड़न चिड़िया और फेसबुक का नाम राजीव गांधी चेहरा दर्शन योजना रखते। खैर ये तो बस बातें कहने वाली है, पर लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा नेहरू पर ही प्रहार करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जब भाजपा नेहरू पर भी खुलेआम प्रहार करती हुई नजर आई। मोदी शाह कितनी ही बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू पर निशाना साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का नया हथियार है नेहरू पर वार। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियो।